योदी साहब जो हैं वो बतवाते रहे उस अलायंस की बात करते हैं जो कि इलेक्शंस के अंदर बनना एक नॉर्मल और फितरी बात होती है। इलेक्शन अलायंस पाकिस्तान हर जगह पे बनते हैं, तो देयर फैक्ट मोदी को हराने के लिए सारी अपोजिशन पार्टियां इकट्ठी होकर मोदी को फेस कर रही हैं, वो उनकी डिफीटेड मेंटेलिटी शो कर रही हैं और उनका बहुत थोड़ा जो वोट बैंक रह गया इंडियन सोसाइटी में उसकी तरफ वो पॉइंट आउट कर रही हैं। ये मैं आपको बताऊं कि ये जनरल इलेक्शन है, इसमें चंद सीटें ऊपर नीचे होंगी इलेक्शन की निस्बत, लेकिन मोदी को जो कोई जितने सर्वे ही हो सकते हैं, प्रिडिक्शन ही हो सकती है, प्रिडिक्शन गलत भी जा सकती है, लेकिन मोदी थंपिंग मेजोरिटी के साथ इंडियन इलेक्शन में जीत रहे हैं, ये जो जून में हो रहे हैं। दूसरी बात ये है कि ये नफरत की सियासत जिस तरह से हमने कहा है उसकी बेस है। किसी मुसलमान कैंडिडेट को टिकट नहीं देता, हिंदू सियासत करते हैं, हिंदू सियासत अल्टीमेटली इसको ले बैठेगी। जहां तक जंगों का तल्लक हमारे भाई ने बात की, ये इंडिया में इंडिया एक वाहिद मुल्क है जिसके तमाम इलेक्शन वो कांग्रेस का वक्त था या ये इनिशियल बीजेपी की दो टर्म्स थी, इनके इलेक्शन का सेंट्रल पॉइंट ही पाकिस्तान बैशिंग होती है। ये इंडियन कौम को इकट्ठा ही पाकिस्तान या थोड़ा बहुत चाइना बैशिंग पे करते हैं और उनका वोट ऐंठते हैं। ये पहली दफा है कि ये जो फरवरी में पाकिस्तान एयरफोर्स ने दो साल कबल इसके दांत खट्टे किए थे कश्मीर में, इनका एक विंग कमांडर अभिनंदन पकड़ लिया था, जिसमें ये साबित हो गया था जो पाकिस्तान बैशिंग तो करते थे, हम इसको पढ़ जाएंगे, हम इसको वो कर देंगे, हम इसको अभी भी इसको कुछ बोला नहीं ऐसी बातें करते हैं, लेकिन मोदी साहब इससे हो गए क्योंकि दुनिया ने देखा कि जब पाकिस्तान सामने खड़ा हुआ तो ये इन्होंने हार मान ली और इन्होंने रुसवाई के साथ अपने उस विंग कमांडर को वापस लिया, जिसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के साथ ओपन जंग अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन पाकिस्तान बैशिंग उनका असूल होता है, कश्मीर के अंदर अभी यही है। जहां तक ये बात है कि यूपी सीपी और बिहार